हे गाइस, फाइनली YouTube का एक न्यू अपडेट आ चुका है जिसमें आप लोगों को अपने मोनेटाइज करने के रिलेटेड में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकता है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए खुशखबरी भी हो सकता है। अगर आप न्यू क्रिएटर हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये अपडेट है, क्योंकि देखो न्यू क्रिएटर के साथ में ही ज्यादातर ऐसा प्रॉब्लम आता है कि चैनल हैक हो रहा है वगैरह वगैरह, ये सब प्रॉब्लम हो जाता है। एंड जब आप न्यू क्रिएटर का अगर चैनल हैक हो जाता है, अगर जितने भी न्यू क्रिएटर है उनका चैनल हैक हो गया, तो वो दोबारा चैनल मिलने का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि न्यू क्रिएटर के साथ में कोई भी हेल्प नहीं करता, कोई भी मदद नहीं करता है। बड़े क्रिएटर का अगर चैनल हैक होता है तो वो YouTube से या किसी और के सपोर्ट से अपना चैनल ले सकते हैं। सो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि जो YouTube का न्यू अपडेट आया है, क्या क्या अपडेट आया है। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि YouTube पे अपना चैनल क्रिएट करने के लिए, तो भाई लोग अपना चैनल जरूर क्रिएट कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगा एंड डेफिनेटली आप लोग का चैनल ग्रो हो जाएगा। जो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, वो सब कुछ आप लोगों में शेयर करूंगा एंड आप भी अपना YouTube से अर्निंग कर पाओगे। जैसे मैं अभी अर्निंग कर रहा हूं, वैसे ही आप भी अर्निंग करना चाहते हो तो आप अपने चैनल क्रिएट कर लीजिए बहुत ही इजी तरीके से। एंड पर्सनली जो मैं अपने चैनल पर ट्रिक यूज करता हूँ, पर्सनली जो मेरे साथ में एक्सपीरियंस हुआ, वो सब कुछ आप लोगों में शेयर करता रहूंगा। सो वीडियो ज्यादा लंबा ना करते हुए सीधे मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे एंड दिखाता हूँ कि YouTube का अभी जो न्यू पॉलिसी अपडेट आया है उसमें क्या अपडेट आया पड़ा है, इसके लिए क्या खुशखबरी है, अपडेट के रिलेटेड में क्या खुशखबरी है न्यू क्रिएटर का। एंड इसमें क्या आपको अगर दुख लग रहा है तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आपका जितना भी ये दुख लग रहा है ना कि न्यू अपडेट आया है, इसमें बहुत ही दुखद की बात है, कुछ भी ऐसे दुखद की बात नहीं है। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर उस तरीके से आप लोग सोचते हो तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सो चलिए अब मोबाइल के स्क्रीन पे जाने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में इंटरेस्टिंग वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। सो चलिए अब मोबाइल के स्क्रीन पे, गाइस हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे। बेसिकली सबसे पहले तो मैं आप लोगों को प्रूफ देकर बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई प्रूफ कहां है। तो यहां पे देख लीजिए, मैं अपना अकाउंट यहां पे स्विच करता हूं, न्यू यहां पे जो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है उसको मैं यहां पे ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद मैं आप लोगों को यहां पे दिखाता हूं कि यहां पे न्यू अपडेट पॉलिसी में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। पहले क्या था, सिर्फ आपका 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 घंटा रिक्वायर्ड था, लेकिन अब क्या हो गया, न्यू अपडेट आने के बाद यहां पे बहुत ही ज्यादा थोड़ा लफड़ा पड़ गया है, या ये भी हो सकता है बहुत ही ज्यादा बेनिफिट का हो चुका है। न्यू अपडेट आने के बाद मैं तो बहुत ही खुश हूं, क्योंकि ऐसा अपडेट आया जिससे बहुत सारे क्रिएटर का चैनल बच सकता है। सो अभी देख लीजिए, यहां पे मैं जूम करता हूं तो यहां पे 1000 सब्सक्राइबर्स रिक्वायर्ड है, 4000 यहां पे आवर्स रिक्वायर्ड है, मतलब कि वॉच आवर्स यहां पे आपका रिक्वायर्ड होना चाहिए। प्लस नीचे में यहां पे दो ऑप्शन यहां पे देखने को मिल जाएगा। यहां पे जो एक ऑप्शन है सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने मेल आईडी का सिक्योर नहीं करते हो, अपने मेल आईडी को सिक्योर नहीं करते हो, सेकंड स्टेप वेरीफाई नहीं करते हो, तो आपका चैनल मोनेटाइज में जाएगा, लेकिन वहां पे रिव्यू में ही पड़े रहेगा, वहां पे जल्दी मोनेटाइज होकर नहीं आएगा, कई सालों तक रिव्यू में रह जाएगा जब तक आप अपने चैनल का सेकंड स्टेप वेरीफाई नहीं करते हो। ये इस वजह से यहां पे अपडेट आया, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर का चैनल जो था ना, वो कोई भी एक्सेस कर लेता था, कोई भी हैक कर लेता था, इस वजह से बहुत सारे लोग जो है ना परेशान हो जाते थे, क्योंकि भाई जो मोनेटाइज चैनल 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट चैनल, कोई दूसरा बंदा हैक कर ले तो प्रॉब्लम आता है। एंड यहां पे जो सेकंड आया है कि यहां पे देख लीजिए, नो एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, आपके चैनल पे कोई भी स्ट्राइक रहेगा तो मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। ये जो अपडेट है, ये नो एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, ये थोड़ा सा बैड न्यूज है, क्योंकि पहले क्या था, एक स्ट्राइक रहता था अगर कम्युनिटी गाइडलाइन का तो चैनल मोनेटाइज हो जाता था, लेकिन अब आपके चैनल पे कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक या कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं चाहिए, नहीं अदरवाइज आपका चैनल यहां पे मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जो अपडेट है सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन, ये सबसे बेस्ट अपडेट है। आप अपने पहले मेल को, अपने यूट्यूब चैनल को सिक्योर करके रखिए, देन उसके बाद आप मोनेटाइज करवाइए, तब आपका चैनल जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। सो ये दो अपडेट आया पड़ा था, इस वजह से मैं सोचा कि आप लोगों को भी वीडियो दे दूं, ताकि आप लोगों का नॉलेजफुल रहे। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर इसके रिलेटेड में कोई प्रॉब्लम आता है तो मेरे को आप जरूर कमेंट कीजिए या मेरे इंस्टा पे आ जाइए, मैं आप लोगों को जरूर हेल्प करूंगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो भाई वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए एंड चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा।